नमस्कार, किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न पालक। उसके लिए मैंने एक जोड़ी पालक लिया है, ये फ्रेश कॉर्न लिया है, एक पैली हरी मिर्ची 4 से 5, लहसुन की कलियां 4 से 5, एक टमाटर, एक प्याज और कुछ हमारे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और स्वादानुसार नमक। शुरू करते हैं कॉर्न पालक बनाना। इसे हम अभी बॉईल कर लेंगे। पालक हमने धो लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ पालक की डंडियाँ भी रखी है। ये डंडियाँ बहुत, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन्स होता है, इसके लिए मैं ये डंडी लेती हूँ। क्योंकि हमें पालक को ग्राइंड ही करना है, 2 मिनट इसको हम गर्म पानी में पका लेंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे तो उसके अंदर ये भी ग्राइंड हो जाएगी। और कैल्शियम की मात्रा पालक में बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो ये जो डिश बनने वाली है ये बहुत हेल्दी डिश है। चलो तो अभी हम पालक को थोड़ा गर्म पानी में बॉईल कर लेते हैं। पालक को हमने 2 मिनट गर्म पानी में पका लिया है, इसको अभी ग्राइंड कर लेंगे। ये पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये सब्जी में काम आएगी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो तेज मिर्च है वो डाल रही हूँ। ये बाकी की मिर्च हम तड़का जब देंगे तब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिर्च ले ली है, लहसुन की कलियाँ 4 से 5, और अदरक मैं लेना भूल गई थी तो ये अदरक मैं डाल रही हूँ। इसके साथ डालूँगी 1 चम्मच जीरा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा, ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो डालिए, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे लोग इसके अंदर बेसन डालते हैं लेकिन वो बेसन के स्वाद के जैसा लगता है, तो इसके लिए मैं सिर्फ ये सबको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने बारीक कर लिया है, देखिए एकदम महीन बारीक किया है। तो अभी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। जिसमें हमने पालक बॉईल किया था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा। जीरा फ्राई होने के बाद मैंने जो मिर्च रखी थी वो भी मैं तोड़ के डाल रही हूँ। इसके साथ ही डाल रही हूँ प्याज, इसी के अंदर डालूँगी मैं कॉर्न जो हमें फ्राई करने हैं थोड़े। अभी हम डालेंगे हल्दी, कॉर्न कैसे फूले हुए लग रहे हैं ना। धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसके अंदर जाएगा टमाटर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। देखिए इसमें टमाटर और हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, साथ साथ कॉर्न भी अच्छे से हो गए हैं। आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिए हम इसको तोड़ के देखेंगे। यहाँ अभी हम डालेंगे हमारा पालक का पेस्ट जो प्यूरी हमने बना के रखी है। इसके अंदर मैं वो पानी डाल रही हूँ जो हमने पहले निकाल के रखा था जब हमने पालक बॉईल किया था। इसको ठीक से मिक्स कर लेंगे। ये हम सब्जी में डाल रहे हैं और अच्छे से चला लेंगे इसको। फ्लेम थोड़ा हाई कर दीजिए। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ये स्वादानुसार है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी। ये सब्जी अगर चावल और रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। जो लोग ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं या जो लोग सूखा पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा पानी कम लिया तो भी चलेगा। इसके अंदर हमने जो हरी मिर्च डाली थी उस वजह से हमने लाल मिर्च थोड़ी कम ली है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अभी 2 चम्मच दही। हमें दही को पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करके गैस को ऑफ कर देना है। देखिए हमारा कॉर्न पालक तैयार है। मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है और ये बटर यहाँ पे फैल रहा है अपने आप। तो अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। हमारा कॉर्न पालक तैयार है। ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये बहुत हेल्दी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद किचन विद कावेरी में हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।